गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GSS Education में। बच्चों, आज हम आपके हिंदी काव्य पुस्तक से पाठ दो जो है तुलसीदास द्वारा रचित धनुर्भंग, उसका चौथा वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं। इस वीडियो में हम चौथे दोहे और चौपाई को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना देर के बिना समय के कर रहे हैं, देख देख रघुवीर तन सुर मनाव धरि धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल पुल कावली शरीर। आइए इन पंक्तियों में कुछ शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। देख देख माने देख करके, रघुवीर अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र जी, तन मतलब शरीर यानी श्री रामचंद्र जी का शरीर, सुर माने देवता, मनाव माने मना रही हैं, धरी माने धारण करके, धीर माने धैर्य या धीरज, भरे माने भरकर, बिलोचन माने नेत्र में, बिलोचन माने नेत्र, प्रेम जल यानी प्रेम रूपी अश्रु, पुलकावली माने पुलकित होना या रोमांचित होना, शरीर यानी शरीर। ये रहा कुछ शब्दों के अर्थ। अब हम देखते हैं संदर्भ। संदर्भ यहाँ पर लिखा है पूर्वत। पूर्वत का मतलब आप पहले वीडियो में जाएंगे, धनुर्भंग का जो पहला वीडियो है, तो वहाँ जो दोहे का संदर्भ है वहाँ से आप इसको नोट कर लेंगे। प्रसंग क्या है? उक्त दोहे में सीता जी द्वारा अपने देवी देवताओं को मनाने का अर्थात विनती करने की चर्चा की गई, यानी प्रभु श्री रामचंद्र जी के कोमल शरीर को, सुकुमार शरीर को देखकर माता सीता जो है काफ़ी अधीर है, तो वो अपने सारे इष्ट देवी देवताओं को मना रही हैं कि हे प्रभु, आज हमारे द्वारा जो आपकी सेवा की गई है उसका फल आप मुझे दे दे, ऐसा प्रार्थना यहाँ पे किया गया है। तो उसी का यहाँ हम देखेंगे व्याख्या। उसके पहले हम बात करते हैं काव्यगत सौंदर्य की। काव्यगत सौंदर्य में हम रस देख रहे हैं, यहाँ पे श्रृंगार रस है, क्योंकि माता सीता का प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रति प्रेम उमड़ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे श्रृंगार रस है। और भाषा अवधि भाषा है, छंद आपको दोहा छंद यहाँ पे मिलेगा, गुण माधुरी है, शैली प्रबंध है, अलंकार जो है अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो आइए देखते हैं कहाँ कहाँ पुनरुक्ति है और कहाँ अनुप्रास अलंकार है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं देख देखी में दौ दौ की पुनरावृत्ति है, धरि धीर में धौ धौ वर्णों की पुनरावृत्ति है, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। और पुनरुक्ति प्रकाश कहाँ हो जाएगा? देख देखी, ये कहीं शब्द दो बार आवे और दोनों के अर्थ जो है समान हो, तो वहाँ पे आपको हो जाता है पुनरुक्ति प्रकाश। तो ये रहा हमारा अलंकार। अब बात करते हैं व्याख्या की। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं इन पंक्तियों में कि माता सीता जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी को देख करके, प्रभु श्री रामचंद्र जी के सुकुमार शरीर को देख करके अपने हृदय में धैर्य धारण करके, धीरज धारण करके अपने देवी देवताओं को मना रही है। क्या मना रही है? विनती कर रही है कि हे प्रभु, आज मेरे द्वारा आपकी जो सेवा की गई उसका फल आप मुझे दे दीजिए। किस रूप में? कि आप इस धनुष को हल्का कर दीजिए जिससे कि प्रभु श्री रामचंद्र जी आसानी से इसको उठाकर तोड़ दें, ऐसा प्रार्थना वो अपने मन में अपने इष्ट देवी देवताओं से कर रही है। वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है। नीचे वाली लाइन में क्या है? भरे बिलोचन प्रेम जल पुल कावली शरीर, और उनके नेत्रों में अश्रु भर आए हैं, प्रेम रूपी अश्रु भर आए हैं। भरे बिलोचन प्रेम जल, माता सीता के नेत्रों में प्रेम रूपी अश्रु भर आए हैं और उनका शरीर जो है रोमांचित हो रहा है। तो ये रहा इन पंक्तियों की व्याख्या। आप इसे सुनकर अपने सरल भाषा में लिखें। अब हम लाते हैं चौपाई। तो चलिए बच्चों देखते हैं हम चौथा वाला चौपाई। चौपाई में संकेत यहाँ पे नीके निरख नयन भरी शोभा, सह सम जाहि तक है। संदर्भ पूर्वत। पूर्वत का मतलब आप पहले वीडियो में जाएंगे, वहाँ जो चौपाई का संदर्भ है उस संदर्भ को आप यहाँ नोट करेंगे। प्रसंग वही है, थोड़ा सा इसमें और चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे उक्त दोहे में सीता जी द्वारा अपने देवी देवताओं को मनाने की चर्चा की गई है, और उन्होंने साथ ही साथ यहाँ पे ये भी दर्शाया गया है कि जो अपने पिता के द्वारा पढ़ लिया गया है धनुर्भंग का, उस पर भी वो काफ़ी विचलित है, काफ़ी शोचनीय अवस्था में है, और साथ ही साथ वो देवी देवताओं के साथ अपने धनुष को भी विनती कर रही हैं। इन सारी बातों का यहाँ पे वर्णन किया गया है, तो वो प्रसंग के रूप में यहाँ पे आप लिखेंगे। व्याख्या पे अभी हम चर्चा करेंगे। काव्यगत सौंदर्य देख लेते हैं। रस यहाँ पे श्रृंगार रस है, साथ ही साथ आप भक्ति रस भी यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ देवी देवताओं का स्मरण किया गया है, तो ये भक्ति रस भी हो जाएगा, श्रृंगार रस और भक्ति रस। भाषा अवधि भाषा, छंद यहाँ पे चौपाई छंद हो जाएगा। छंद आपका चौपाई है। गुण माधुरी, माधुरी रहेगा, और उसके साथ साथ अगर भक्ति है तो फिर प्रसाद भी हो जाएगा, यानी माधुरी और प्रसाद दोनों गुण मिलेगा आपको। शैली प्रबंध है, अलंकार अनुप्रास और उपमा अलंकार है। तो आइए देख लेते हैं। तो
पुस्तक में कि कहाँ अनुप्रास अलंकार है और कहाँ उपमा अलंकार है। जरा देखें, नीके निरख नयन, नौ नौ वर्णों की पुनरावृत्ति तो यहाँ अनुप्रास अलंकार। पितु पन, पौपौ वर्णों की पुनरावृत्ति तो यहाँ अनुप्रास अलंकार। इसी तरह से सचिव सभय सिख सौ सौ वर्णों की पुनरावृत्ति तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार। फिर आप यहाँ पे देखेंगे सिरस सुमन सौ सौ वर्णों की पुनरावृत्ति यहाँ अनुप्रास अलंकार। सकल सभा सौ सौ वर्णों की पुनरावृत्ति अनुप्रास अलंकार। हो ही हरव हह वर्णों की पुनरावृत्ति अनुप्रास अलंकार। इसी तरह से जहाँ भी आपको वर्णों की पुनरावृत्ति दिखाई देगी वहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। अब बात करते हैं उपमा अलंकार की, तो यहाँ कह धनु कुलिस चाहि कठोरा। कुलिसहु माने होता है वज्र के तरह, तो यहाँ पे वज्र की उपमा दी गई है धनुष को, तो यहाँ पे आपको उपमा अलंकार देखने को मिलता है। अब चलिए देखते हैं इन पंक्तियों में कुछ शब्दों के अर्थ को देखते हैं और व्याख्या को देखते चलेंगे साथ ही साथ। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि माता सीता प्रभु श्री रामचंद्र जी को जब देख रही हैं, नी के निरख नयन भरी शोभा, यानी अपने नेत्रों में अच्छी तरह से प्रभु श्री रामचंद्र जी की सौंदर्यता को देख कर पितु पन सुमरी बहुरी मन छोभा। अपने पिता के पनु माने प्रण को, सुमरी माने याद करके, बहुरी माने अनेक प्रकार से, मनु माने मन में, छोभा माने छोभ कर रही हैं, दुख व्यक्त कर रही हैं। क्या फिर से एक बार देख लेते हैं कि तुलसीदास जी कह रहे हैं कि माता सीता प्रभु श्री रामचंद्र जी के सुंदर शरीर के शोभा को देखकर अपने नेत्रों में भर करके अपने पिता को अपने पिता के प्रण को याद करके अपने मन में क्षोभ कर रही हैं, दुख कर रही हैं। क्या आह तात दारुण हट ठानी, समुझत नहीं कछु लाभ नहानी। आह का मतलब यहाँ पे विस्मय प्रकट कर रही हैं, मतलब क्षोभ प्रकट कर रही हैं। तो कह रहे हैं कि आह हमारे पिता ने कैसा दारुण माने कठिन हट ठान लिया है, कैसा कठिन हट ठान लिया है, इस बात का वो कोई लाभ हानि समझ नहीं रहे हैं। समुझत नहीं कछु लाभ नहानी, यानी कुछ लाभ हानि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। सचिव सभय सीख दे न कोई, यानी उनके जो मंत्री हैं सचिव हैं, भय के कारण कोई उन्हें समझा नहीं रहा है, कोई उन्हें सीख नहीं दे रहा है। बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई, बुद्ध माने बुद्धिजीवी ज्ञानी, समाज माने समाज, बड़ माने बड़ा, अनुचित माने अनुचित होई, यानी बुद्धिजीवियों के समाज में ज्ञानियों के समाज में यह बड़ा अनुचित होगा कि यह धनुष न टूट पाए, ऐसा सोचकर सीता जी काफी मन में व्यतीत हैं। आगे कह रही हैं, कह धनु कुल सही चाहि कठोरा, कह श्यामल मृदु गात सब, कि कहां यह वज्र से भी कठोर, वज्र के समान कठोर यह धनुष, और कहां वहां श्यामल कोमल शरीर वाले किशोर, यानी प्रभु श्री रामचंद्र जी को देख के सोच रही हैं कि उनका शरीर कितना श्यामल सुकुमार और कोमल है, और कहां यह वज्र से भी कठोर धनुष है। तो ऐसा यहां पे वो तुलना कर रहे अपने मन में सोच रही हैं। फिर आगे कह रही हैं, विधि कही भांति धरो उर्धीरा, हे विधाता हे ईश्वर मैं किस प्रकार से अपने हृदय में धैर्य धारण करूं। सिरस सुमन कन बेधी हीरा, सिरस एक फूल होता है, तो सिरस का जो सुमन है उसका जो कण है काटा, यानी यहाँ पे सिरस सुमन कन बेधी हीरा, हीरा को यहाँ कठोर, आप जानते हैं हीरा सबसे कठोर धातु है, और कहाँ सिरस का सुमन का कण यानी कोमल कण, उससे कहीं हीरा को बेधा जाता है। तो यहाँ पे सीता जी कह रही हैं कि हे विधाता मैं किस प्रकार से अपने हृदय में धैर्य धारण करूँ, कहाँ यह सिरस के सुमन के समान प्रभु श्री रामचंद्र जी, और कहाँ हीरा के समान वो कठोर धनुष, तो क्या सिरस के सुमन के कण से हीरा को बेधा जा सकता है, ऐसी बात सीता जी सोच रही हैं। अब आगे क्या कह रही हैं अगली वाली पंक्ति में, सकल सभा कै मति भई भोरी, यानी सकल माने सभी सभा के लोगों की मति जो है बुद्धि जो है भय माने हो गई, भोरी माने बावली, भोरी हो गई, भोली हो गई है, यानी कह रही है कि सारे सभा के लोगों की मति जो है भोली यानी बावली हो गई है, किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा है। अब मोहि शंभु चाप गति थोरी, अब देखिए यहाँ पे लौट आई कहाँ धनुष के पास विनती करने, हे शंभु चाप, शंभु माने भगवान शंकर जी के धनुष, चाप माने धनुष, यानी हे शंभु चाप हे शंकर जी के धनुष, अब तो मुझे केवल आपके ही ऊपर विश्वास रह गया। अब मोहि शंभु चाप गति थोरी, यानी हे शंभु चाप हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे आपका ही केवल विश्वास रह गया है, आप पे ही भरोसा रह गया है। क्या कहती आगे, निज जड़ता लोघन पर डारी,
यानी अपनी जो जड़ता है, जड़ता का मतलब भारीपन, वो का करिए लोगों पे डाल दीजिए, अपनी जो भारीपन है बाकी लोगों पे डाल दीजिए। हो ही हरहु रघुपति ही निहारी, और प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर उनके सामर्थ्य के अनुसार आप क्या हो जाइए, हल्के हो जाइए। अति परिताप सिय मन माही, लव निमेश जुग सय सम जाही। अति मने अत्यधिक, परिताप मने दुख वेदना, सिय मन माही। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ऐसा करते हुए, ऐसा मनाते हुए सीता जी के हृदय में अत्यधिक परिताप है, अत्यधिक दुख है, उनका समय ऐसे प्रतीत हो रहा है। अगली वाली पंक्ति में लव निमेश जुग सय सम जाही, लव माने अंश होता है, लव निमेश माने क्षण, यानी क्षण का भी एक अंश, सय माने सौ, जुग माने युग, सम जाही यानी ऐसा सोचते हुए जब उनके मन में कष्ट हो रहा है तो एक क्षण का जो अंश है यानी कुछ हिस्सा, कुछ भाग, वो समय भी सीता जी के लिए सौ युगों के समान प्रतीत हो रहा है। तो ये रहा इन पंक्तियों की व्याख्या, इसे आप सुनिए, समझिए, अपने सरल शब्दों में लिखने का प्रयास करिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में आगे की चौपाई को लेकर के, तब तक आप इसे पढ़ते रहें। बाय बाय।